कुल्फी तो आप सभी ने बहुत सारी खाई होगी, लेकिन ये वाली बादाम मलाई कुल्फी आपने कभी भी नहीं खाई है, ये मेरी गारंटी है। इतनी हाइजेनिक और इतनी हेल्दी कुल्फी आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके लिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वेलकम टू माई चैनल सुचिताज कुकिंग में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए सुचिताज कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट रेसिपी डालूँ सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ जाए। तो बादाम मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं कुछ। इसमें एक चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं। इसमें चीनी डालना ज़रूरी है, इससे बहुत ही महीन पेस्ट होता है, तो इसमें चीनी ज़रूर डालें थोड़ी सी ग्राइंड करते समय। ये देखिए हमें पाउडर करना है, आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर किया है मैंने। तो इतना फाइन पाउडर हमें कुल्फी बनाने के लिए चाहिए। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। ये मैं टोटल दूध जो है वो मैंने आधा लीटर लिया है, उसमें से कुछ दूध यानी कि लगभग आधा कप दूध में इस पाउडर में ऐड कर रही हूँ। तो ये जार थोड़ा सा छोटा है, मैं बड़े जार में इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ पहले, क्योंकि हमें इसे फिर से ग्राइंड करना है। तो ये देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इस दूध को साइड में रख देते हैं और अगली प्रोसेस देख लेते हैं। तो अगली प्रोसेस में ये जो बचा हुआ दूध है इसे हमें गाढ़ा बनाना है। जैसी रबड़ी होती है लच्छेदार, बिल्कुल वैसे हमें इसे गाढ़ा बनाना है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे गाढ़ा कर लेती हूँ। तो दूध को उबाल आ गया है, अब मैं इसमें चीनी डाल के इसे हम गाढ़ा होने देते हैं। चीनी की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। उबलते उबलते ये दूध आधा बचा है, एकदम रबड़ी जैसा टेक्सचर आया है इसका। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें बादाम वाला दूध ऐड कर देती हूँ। तो दूध ऐड करके हम इसे उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद फिर से हमें इसे 5 मिनट तक और उबालना है। ये देखिए उबाल आने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक और उबाला था, तो इसका टेक्सचर ऐसा बन गया है, एकदम गाढ़ा टेक्सचर नहीं बना है, परफेक्टली जो कुल्फी जमने के लिए टेक्सचर चाहिए वही टेक्सचर इसमें आया है। अब गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ये देखिए ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर जो है वो ऐसा बनेगा। अगर आप रबड़ी की कुल्फी जमाओगे तो बिल्कुल भी नहीं जमेगी, इस तरीके से अगर आप कुल्फी जमाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट कुल्फी आपकी जमेगी। अब इसे मैं इस कप में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कुछ भी मोल्ड वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कप में भी ये बहुत ही परफेक्ट कुल्फी जमेगी। तो इस कप में मैंने ये मिक्सचर भर दिया है। अब मैं इसे रैपिंग पॉलीथीन जो होती है उससे मैं इसे कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे फॉइल पेपर से भी रैप कर सकते हैं, इससे क्या होता है आइस क्रिस्टल नहीं बनते हैं। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये बचा हुआ जो कुल्फी मिक्सचर है वो मैं इस ट्रे में ऐड करने वाली हूँ। अगर आपके पास स्टील का कोई भी बर्तन हो तो उसमें भी आप कुल्फी को जमा सकते हैं, नहीं तो प्लास्टिक का डिब्बा हो फ्लैट वाला तो उसमें भी आप कुल्फी को जमा सकते हैं, परफेक्टली कुल्फी आपकी जमेगी। तो अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। ओवरनाइट के लिए कुल्फी को मैंने फ्रिज में जमा लिया था, बिल्कुल परफेक्टली कुल्फी जम गई है। देखिए बहुत ही बढ़िया बादाम मलाई कुल्फी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। तो अनमोल्ड करने के लिए थोड़ा सा इसे पानी में डिप कर ले, ताकि ये आसानी से अनमोल्ड हो सके। अब इसे इस तरीके से टैप करके निकाल लीजिए। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये कुल्फी निकल गई है। इसे कट करने में भी मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत ही हार्ड कुल्फी बनी है। अब इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप बाउल में सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसे कट करके डायरेक्टली स्टिक लगा के भी खा सकते हैं। ये देखिए इसका टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया आया है। तो मिलेगी कि आपको ये मार्केट में कुल्फी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस कुल्फी को खाने के लिए आपको इसे घर में ही बनाना होगा, तभी आपको ये बादाम मलाई कुल्फी एकदम ओरिजिनल बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर वाली घर पे ही मिलेगी। ये देखिए इस तरीके से आप स्टिक लगा के ऐसे भी खा सकते हैं,
अब मैं आपको कप वाली कुल्फी को अनमोल्ड करके बता देती हूँ। इस तरीके से इसमें स्टिक लगा लीजिए, पानी में डिप कर लीजिए और बहुत ही आसानी से कप वाली कुल्फी भी अनमोल्ड हो गई है। इसके ऊपर जो बादाम के छिलके का टेक्सचर आया है वो बहुत ही बढ़िया आया है। इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता से इसे गार्निश कर दीजिए और ठंडी ठंडी कुल्फी खाने के लिए सर्व कर लो। बहुत ही यम्मी टेस्टी बढ़िया बादाम मलाई कुल्फी बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ज़रूर घर पे बनाइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।